एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली। तो मान लो एक कैपेसिटर है और एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स है, और ऑल्टरनेटिंग सोर्स कितनी है, इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब क्योंकि ईएमएफ की वैल्यू नीचे से क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो करंट की वैल्यू भी सर्किट में क्या होगी, चेंज होगी, करंट चेंज होगा। और कैसे, कभी क्लॉकवाइज कभी एंटी क्लॉकवाइज, तो कैपेसिटर की चार्जिंग भी चेंज होती रहेगी। जैसे कैपेसिटर की एक प्लेट पे पॉजिटिव, दूसरे पे नेगेटिव, थोड़ी देर में ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर में ऑल्टरनेटिंगली क्या करेगा, अपनी वैल्यू को चेंज करेगा, और चार्ज की वैल्यू भी इंस्टेंटली चेंज होती जाएगी, क्योंकि ईएमएफ चेंज हो रही है, करंट चेंज हो रहा है, तो इंस्टेंट चार्ज भी चेंज होगा। तो कैपेसिटर के अंदर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज हमने क्या अप्लाई की, इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ई क्या होता है, क्यू बाई सी, तो ई की वैल्यू क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू क्यू बाई सी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके चार्ज आ गया। ये कौन सा चार्ज है, इंस्टेंटेनियस चार्ज है, क्योंकि टाइम के साथ वोल्टेज चेंज हो रही है, वोल्टेज के साथ चार्ज चेंज हो रहा है। क्लियर है यहां तक? अब हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है कैपेसिटर में। तो एक काम करते हैं, चार्ज को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डी क्यू बाई डी टी, तो करंट आ जाएगा। तो यहां पर चार्ज की वैल्यू को पुट किया, सी ई नॉट कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, साइन ओमेगा टी के डिफ्रेंशिएशन कॉस ओमेगा टी इंटू डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी विल गिव ओमेगा। यहां से सी ओमेगा ई नॉट के नीचे आ गया, तो आपके पास ये टर्म आ गई। इस टर्म को आई नॉट पुट कर लेते हैं, तो ये टर्म आ गई। तो ईएमएफ क्या थी, ई नॉट साइन ओमेगा टी, करंट क्या है, आई नॉट साइन आई नॉट कॉस ओमेगा टी। तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा तो ईएमएफ तो साइन का ग्राफ फॉलो कर रही है, पर करंट कॉस का ग्राफ फॉलो कर रहा है। तो कॉस के अंदर क्या होगा, जो ईएमएफ है, जो ईएमएफ है वो ये ग्राफ फॉलो कर रहा है, एंड जो करंट है वो कॉस का ग्राफ फॉलो करेगा कुछ इस तरीके से। तो कॉस का ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होता है, सबको मालूम है। तो ये इसकी स्टार्टिंग पॉइंट ही बताएगी कि कौन ईएमएफ है और कौन करंट है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है यहां तक? तो इसके अंदर ये आपके पास करंट की वैल्यू आ गई, और आप क्योंकि करंट कॉस में कैलकुलेट किया और ईएमएफ साइन में है, तो एक काम करते हैं, कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कॉस को क्या लिखेंगे, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, माइनस भी लिख सकते हैं प्लस भी लिख सकते हैं, यहां पर प्लस लिखेंगे। तो यहां पे क्या हुआ कि जो ईएमएफ की इक्वेशन है वो क्या थी, ई नॉट साइन ओमेगा टी, एंड करंट की इक्वेशन आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो क्या बोलेंगे, करंट का फेज आगे है ईएमएफ से बाय एन एंगल ऑफ 90। इंडक्टर में उल्टा था, इंडक्टर में क्या था, इंडक्टर में करंट पीछे है और कैपेसिटर में करंट आगे है ईएमएफ से बाय एन एंगल ऑफ 90। क्या है पॉइंट, क्लियर है यहां तक? तो इसमें ये जो टर्म है, ये जो टर्म देख रहे हो, इसको हमने क्या पुट किया था, आई नॉट, आई नॉट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ई नॉट क्या आ गया, आई नॉट इंटू वन बाय सी ओमेगा। तो मुझे ये चीज बताए कि ईएमएफ की वैल्यू, ईएमएफ की वैल्यू इस करंट इंटू क्या, यहां पे क्या आएगी, रेजिस्टेंस, ओम लॉ। तो ये टर्म क्या बनेगी, रेजिस्टेंस। तो दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर। आपको कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर का मतलब आर, नहीं नहीं, इसमें आर निगलेक्टेड है, मटेरियल ऑफ द प्लेट्स निगलेक्टेड है, वायर का मटेरियल निगलेक्टेड है, इसमें आर नहीं लेना। इसके अंदर ये कौन सी रेजिस्टेंस है जो कैपेसिटर ऑफर करेगा, कैसे करेगा, किस फॉर्म में करेगा, क्यों करेगा, जब आर तो ले नहीं रहे, कैपिटल आर तो ले नहीं रहे, तो फिर ये कौन सी रेजिस्टेंस आ गई, कौन सी, कैसे वो कहां जनरेट हो रही है कैपेसिटर में। अच्छा ऐसा करें, मान लो एक मिनट के लिए ये कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, ये पॉजिटिव, ये मान लो दो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं। मैं क्या चाह रहा हूं, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाई करके, कि ये प्लेट पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव का मतलब ये है कि यहां के इलेक्ट्रॉन निकाल के यहां पे देना, और फिर मैं कह रहा हूं नहीं नहीं नहीं, अब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, या ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल के यहां देना, मतलब एक प्लेट के इलेक्ट्रॉन्स दूसरी प्लेट को देना, फिर दूसरी प्लेट के इलेक्ट्रॉन्स पहली प्लेट को देना। और क्योंकि ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है, और ये स्टेप बार 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 क्या होता जा रहा है, रिपीट। अब आप खुद देखो, एनर्शिया का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कोई भी प्लेट न्यूट्रल रहना चाहती है, वो नहीं चाहती कि वो चार्ज उसमें से कोई निकाला जाए या उसको दिया जाए। तो इस केस में आप कैपेसिटर को जब क्या कर रहे हो, चार्ज कर रहे हो, और चार्ज डिस्चार्ज या उल्टा चार्ज जैसे मर्जी करते जा रहे हो, तो आप कैपेसिटर की प्लेट्स के इलेक्ट्रॉन एक प्लेट से दूसरी में, दूसरी से पहली में करते जा रहे हो, और कैपेसिटर इसको अपोज करेगा। आप खुद देखो, ये स्टूडेंट यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, मैं ये बोलता हूँ कि चलो यहाँ से उठ के यहाँ आ जाओ, आप यहाँ से उठ के यहाँ आ जाओ,
मैं दोबारा बोलता हूँ, नहीं नहीं आप यहाँ से उठ के यहाँ आ जाओ, यहाँ से उठ के आ जाओ। अब देखो आपका इनर्शिया क्या कहता है कि यार ये क्यों ऐसा कर रहे हो, आप रेजिस्ट करोगे। तो इस तरीके से प्लेट्स भी क्या करती हैं, रेजिस्ट करती हैं, और वो रेजिस्टेंस जो बाहर आती है इन द फॉर्म ऑफ क्या आती है, 1/c ओमेगा। तो ये वायर या मटीरियल की वजह से नहीं है, ये 1/c ओमेगा। तो इसका नाम रेजिस्टेंस नहीं रखेंगे, इसका नाम फिर से क्या रखेंगे, रिएक्टेंस रखेंगे, रिएक्टेंस रादर। इसका नाम क्या रखेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसका सिंबल आर नहीं रखेंगे, इसका सिंबल एक्स सी रखेंगे, एक्स सी। तो जैसे एक्स एल वैसी एक्स सी। तो ये पॉइंट क्लियर है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या था, एल ओमेगा, सिंबल क्या था, एक्स एल। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला एक्स सी और फॉर्मूला 1/c ओमेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? यूनिट्स इसके भी ओम्स ही रहेंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर डीसी करंट पास करेंगे, डीसी में ओमेगा क्या होता है, जीरो, तो एक्स सी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब अगर डीसी करंट कैपेसिटर में पास करेंगे तो डीसी करंट को कैपेसिटर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, और इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि करंट को पास नहीं होने देगा। और हमने इलेक्ट्रिसिटी में किया था कि जब आप डीसी करंट पास करते हो कैपेसिटर की प्लेट्स में से, तो करंट उसमें से पास होता नहीं है। अब बिल्कुल सही है, इसका मतलब एसी पास होता है, डीसी पास नहीं होता। और अगर मैं ईएमएफ और करंट की इक्वेशन फिर से लिखूं, तो ईएमएफ की इक्वेशन क्या थी, ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, और करंट की इक्वेशन क्या है, आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, ये आपकी ईएमएफ है, ईएमएफ का एंगल कितना है, ओमेगा टी। करंट का एंगल, सॉरी यहाँ प्लस आएगा, जो करंट का एंगल है वो ओमेगा टी से आगे है, बाय एंगल ऑफ पाई बाय टू, ये करंट का एक्सेस है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये डायग्राम समझ में आ रहे हैं, क्लियर? तो ये आपका कैपेसिटर का केस है।